नमस्कार दोस्तों, हकिन क्रिस सॉफ्टवेयर की कॉन्सेप्ट क्लियरेंस अप्रोच में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूं। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है else if स्टेटमेंट। हाँ बिल्कुल ठीक, ये else if स्टेटमेंट ही है, इसे else if लेटर नाम से भी जाना जाता है। अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो है इफ स्टेटमेंट और इफ else स्टेटमेंट। तो उसके बाद हमारा ये स्टेटमेंट आया else if स्टेटमेंट। तो अगर आपने इफ स्टेटमेंट और इफ else स्टेटमेंट्स नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ हमारी आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं इफ स्टेटमेंट और इफ else स्टेटमेंट के लिए। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं else if स्टेटमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, else if स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट या फिर else if लेटर स्टेटमेंट हमारा बेसिकली तब यूज़ होता है जब हमारे पास कंडीशंस तो मल्टीपल होते हैं और हमारे को कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट कराना होता है सिर्फ और सिर्फ एक। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, else if स्टेटमेंट्स। ज़्यादा क्लियरेंस के लिए मैं आपको इसका सिंटैक्स रिप्रेजेंट करता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इफ़ कंडीशन नंबर वन, यानी कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है देन द कोड ब्लॉक ऑफ कंडीशन नंबर वन इज़ एग्जीक्यूट। यानी कि अगर कंडीशन नंबर एक ट्रू है हमारी तो क्या होगा, हमारा पहला वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ये वाला। और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के साथ जुड़ा हुआ है हमारा इफ। दैट मीन जो अगर ये कंडीशन फॉल्स है हमारी कंडीशन नंबर वन तो दूसरी कंडीशन यानी कि एल्स कोड ब्लॉक पर आएगा और एल्स के साथ लगा हुआ है इफ। दैट मीन यहाँ पर ये दूसरी कंडीशन को चेक करेगा और अगर दूसरी कंडीशन हमारी ट्रू है तो इस दूसरी कंडीशन के कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो यानी कि एल्स इफ कंडीशन नंबर थ्री, एल्स कंडीशन नंबर थ्री को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। अगर कंडीशन नंबर थ्री होती है ठीक यानी कि कंडीशन नंबर थ्री इज ट्रू देन इट एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक ऑफ कंडीशन नंबर थ्री एंड सो ऑन। अगर हमारी सारी कंडीशंस फॉल्स होती हैं, जितनी भी हमारे इसमें कंडीशंस हैं मल्टीपल कंडीशंस सभी की सभी फॉल्स होती हैं, तो उस केस में ये else के कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सिंटैक्स था हमारा else if लेटर का, ये था हमारा सिंटैक्स। और अब हम चलते हैं फ्लो चार्ट की ओर। तो फ्लो चार्ट समझना इसका कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, और जिस तरह से हम देख चुके हैं इफ स्टेटमेंट और इफ else स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट, उसी तरह से हम इस else if स्टेटमेंट के फ्लो चार्ट को भी समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि पहली कंडीशन है, अगर कंडीशन वो ट्रू होती है तो फ्लो चार्ट में देखते हैं सबसे पहले एंट्री, जो भी वैल्यू होगी उसकी एंट्री हुई, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक होने पर यानी कि कंडीशन नंबर वन चेक होने पर हमारा स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो अगर फॉल्स हुई तो दूसरी कंडीशन चेक होगी, अगर वो दूसरी कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन नंबर टू के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट नंबर टू एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर वो फॉल्स होती है तो तीसरी कंडीशन चेक करेगा, और तीसरी कंडीशन अगर चेक करने पर वो कंडीशन ट्रू होती है तो तीसरी कंडीशन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो फोर्थ फिफ्थ और एंड सो ऑन जितनी भी कंडीशंस हमने दी होंगी उन सभी कंडीशंस को रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने पर ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग उसके एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करेगा। और अगर सारी कंडीशंस ही हमारी फॉल्स होती हैं तो लास्ट में जो हमारा else स्टेटमेंट था, जो हमारा आपको याद हो अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले बताया था, तो उस तरीके से उस लास्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देगा, रन करा देगा। तो ये था फ्लो चार्ट हमारा else if स्टेटमेंट का। और ज़्यादा क्लियरेंस के लिए मैं आपको एक यहाँ पर प्रोग्राम बताने वाला हूँ, उस प्रोग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये else if लेटर किस तरह से काम करती है। और आप ऐसा ना समझे कि बस ये एक ही प्रोग्राम बता रहा हूँ मैं आपको else if और if else इन सभी से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बताऊँगा जिससे कि आपकी कोर प्रोग्रामिंग काफ़ी स्ट्रांग हो सके। तो देखते हैं इसका प्रोग्राम एग्जाम्पल। सो गाइज, अब इतनी तो आशा मैं कर ही सकता हूँ आपसे कि आपको पता होगा प्रोग्राम बनाना कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमको हेडर फाइल इंक्लूड करानी होंगी, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, और उसके बाद मैं मेन फंक्शन अप्लाई करता हूँ बिकॉज मेन फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम। तो इसके एग्जीक्यूशन के लिए भी मेन फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी और मेन फंक्शन मैंने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया है नंबर, और जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, ठीक है, और उसमें मैंने जीरो साइन कर दिया है, क्लियर स्क्रीन लगा दिया है, और यूज़र से इनपुट लेता हूँ किसी नंबर का। तो प्रिंट एफ कराऊंगा और स्कैन एफ कराऊंगा, स्कैन एफ कराने के लिए मैं वहाँ पर परसेंटाइल डी यूज़ करूँगा क्योंकि इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल डी है, और नंबर में उस वैल्यू को स्टोर करा लूँगा मैं नंबर के एड्रेस पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं परसेंटाइल डी कॉमा एम परसेंट नंबर।
अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ कंडीशन इफ नंबर इक्वल टू 10, यानी कि अगर हमारा नंबर इक्वल टू 10 यानी कि 10 के बराबर है तो हम प्रिंट कर देंगे वहाँ पर नंबर इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। और यहाँ पर एल्स लगाया यानी कि अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू नहीं है और उसके बाद हम लिखते हैं दूसरी कंडीशन, तो एल्स के साथ इफ़ लिखते हैं इफ़ नंबर इक्वल टू 50, यानी कि नंबर अगर हमारा 50 के बराबर है तो हम लिख देंगे नंबर इज इक्वल टू 50, ठीक। और उसके बाद फिर हमने एल्स लगाया यानी कि अगर हमारी दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है तो हम तीसरी कंडीशन देते हैं नंबर इज इक्वल टू 100, यानी कि अगर नंबर हमारा जो यूज़र दे रहा है वो 100 के बराबर है तो हम वहाँ पर प्रिंट करा देंगे नंबर इज इक्वल टू 100, ठीक। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो हम वहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं क्या, हम वहाँ प्रिंट करा रहे हैं नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100, यानी कि जो भी यूज़र ने नंबर दिया है वो 10, 50 और 100 के बराबर नहीं है। अब इसको यहीं टर्मिनेट करके मैं गेट सी एच लगा देता हूँ और प्रोग्राम को बंद करता हूँ और उसके बाद इसे कंपाइल और रन करके देखता हूँ कि क्या इसका आउटपुट रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसे कंपाइल करते हैं, देखिए, और कंपाइलेशन के टाइम पर कोई गलती नहीं दिखा रहा है। अब हम करते हैं इसको रन और देखिए मैं इसको रन करता हूँ और रन करने के बाद ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, वो बोल रहा है एंटर अ नंबर। अगर मैं डालता हूँ यहाँ पर 10 तो देखिए बता रहा है नंबर इज इक्वल टू 10। दोबारा से मैं इसे रन करता हूँ, नंबर मैंने दे दिया 30 तो बता रहा है नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100। और अगर मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ 100 तो बता देगा कि नंबर इज इक्वल टू 100। तो आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि हम एल्सिफ लेटर का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस को चेक करके वन आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा एल्सिफ लेटर का या फिर इफ एल्स इफ या फिर एल्सिफ स्टेटमेंट का वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया, आपको थोड़ा सा भी समझ आया है तो आप इस पर हिट लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो भी सी प्रोग्रामिंग को सीख सकें। ये सी प्रोग्रामिंग बेसिक प्रोग्रामिंग है और आप अगर इसको सीखते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और फर्दर प्रोग्रामिंग में भी आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपको इस प्रोग्रामिंग या फिर इन टॉपिक्स से रिलेटेड जिनकी मैं वीडियोस बना रहा हूँ कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना डाउट। और हाँ, अगर आपने ये वीडियो चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के नोटिफिकेशंस आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हो सकें। तो ये मैं था जी कृष्णा चौहान, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।